जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। इस्लामिक कंट्री के जो हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है ना कि हाँ इस्लाम के ठेकेदार तो पाकिस्तान है, और आप लोग के इतने अच्छे टर्म्स चल रहे हैं कि आपने उनको रिपब्लिक डे पे बुलाया है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, है तो अपना एक रिपब्लिक डे लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी। बड़े माइंड से सोचे, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, इंडिया आसमान पे, आप जमीन पे है। 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया। इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का क्रेडिट जाता है मोदी को। हमें सीखना चाहिए, पाकिस्तान को सीखना चाहिए, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार हमारे पॉलिटिशियंस हैं। इजिप्ट जो है इंडिया का तेजस जो फाइटर है उसको खरीदने की बातें कर रहा है। देखिए इसमें कोई बंदा ना उनको रोक सकता है ना ऑब्जेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान के अपने राइट्स हैं। अब इंडिया एक कंट्री है। जाकिर नाइक ने इजिप्ट जाने की कोशिश की थी, लात मार के भगा दिया उसको। मुझे रिसेंटली कुछ इजिप्शियन से मिलने का मौका मिला, सिर्फ कंप्लेंट्स थी उनकी, सिर्फ कंप्लेंट्स थी पाकिस्तान के बारे में। इजिप्ट के साथ हमारा एक स्ट्रेटजिक टाइप है, इजिप्ट विल बी आवर एंकर इनटू द अफ्रीकन कंटिनेंट। लेकिन देखिए इंडियंस किस तरह एडवांटेज ले रहे हैं, एक तरफ उन्होंने अरब वर्ल्ड के साथ ये लाइन खोली, दूसरे तो इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। अच्छा, फतह अल सीसी जो है ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना अरब स्प्रिंग के बाद जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई और फिर वो जस्ट 51% गवर्नमेंट थी और उसके बाद फिर ये आर्मी चीफ थे और इन्होंने टेक ओवर कर लिया और ये प्रेसिडेंट बन गए और ये 2014 से प्रेसिडेंट है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया, और जो अगर आप पिछले उससे पीछे चले जाएं अभी से 2 साल पहले तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन ब्राज़ील के सदर जो थे वो भी आए, बोल्सोनारो आए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए और बहुत सारे ममालिक के लोगों को जो है वो बुलाया गया, मलेशियन को बुलाया गया, इंडोनेशियंस को बुलाया गया, 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया, 2016 में फ्रांसिस हॉलैंड को बुलाया गया, उस वक्त फ्रांस के सदर थे, 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे, और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, है तो अपना एक रिपब्लिक डे लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सतू भी के सोए हुए हैं, और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है, इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट प्ले जो है वो प्लेयर है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बस ये है कि ठीक है कि हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक रखो ज़रूरी है, इनके पास फौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि छोटी स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स हैं, तो दे आर वल्नरेबल मिलिटरली। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि भारत जो है वो किस तरह गल्फ कोऑपरेशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर तकरीबन उनका जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, और ये आप समझें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी के साथ है इसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इंडियन लोगों के लिए मार्केट खुली है, इंडिया के लिए मार्केट खुली है, ठीक है जी। और सारे के सारे अरब वर्ल्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो फसलें तो सब्जियां तो होती नहीं है, ये चीज़ें तो उगाते नहीं। लेकिन देखिए इंडियंस किस तरह एडवांटेज ले रहे हैं, एक तरफ उन्होंने अरब वर्ल्ड के साथ ये लाइन खोली, दूसरा आप देखिए ना फतह अल सीसी को बुलाया। अब फतह जो सीसी है उनको इस पता है कि फतह सीसी जो है एक तो वो अमेरिकन के करीब है, उसकी आशीर्वाद लेके बैठा हुआ, इसराइलियों के बड़ा करीब है, सऊदीज के बड़ा करीब है, सो वो जो एक पूरा एक ग्रुप है, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जिसकी आशीर्वाद है इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी को, जिसकी वजह से बेसिकली अगर आप देखें तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ठीक है जी। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो पर्सनली, ठीक है जी, एक पर्सनल मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी का उनको दे के आए हैं और रिक्वेस्ट की है जनाब के आप जरूर आए, ठीक है जी। और इससे पहले राजनाथ सिंह साहब जो है वो भी आई थिंक
उधर वहां पे थे, ठीक है। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के कब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं वहां पे, इजिप्ट में जाते हैं। मुझे रिसेंटली कुछ इजिप्शियन से मिलने का मौका मिला, सिर्फ कंप्लेंट्स थी उनकी, सिर्फ कंप्लेंट्स थी पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा जनाब हमने कोई पता नहीं कुछ स्कॉलरशिप को खोला हुआ था, उसके लिए बंदे मांगे, वो नहीं भेजते, मतलब कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स। मैं जारी बात है आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट जब आप लोगों से मिलते हैं पता चलता है कि यार ये लोग किस तरह पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं या पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। हम तो वैसे जाते नहीं है इजिप्ट के पास क्योंकि हमें पता है इजिप्ट के पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया देखे कि वो क्या कितनी स्मार्टली, ठीक है जी। और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब है वो बातें कर रहे हैं ट्रेनिंग की, डिफेंस को प्रोडक्शन की और इक्विपमेंट को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है जी। इंडिया इजिप्ट जो है इंडिया का तेजस जो फाइटर है उसको खरीदने की बातें कर रहा है। आप देखें ये गेमें होती है, ठीक है जी। हम कहीं और हर एलाइ फॉर्मल नहीं होता, नहीं कहा इजिप्ट हमारा दोस्त है, हमारी इजिप्ट से दोस्ती है, पर इजिप्ट में जितने भी कुछ लोग कुछ यहाँ के मोजे शहरी भाग भूख के इजिप्ट गए थे जो बहुत शरीफ लोग होते हैं बम लगाने वाले, इनको इजिप्ट ने सबने वापस कर दिया। तो इजिप्ट में किसी को छुपने की भी जगह नहीं मिलती। जाकिर नाइक ने इजिप्ट जाने की कोशिश की थी, लात मार के भगा दिया उसको। तो कहने की बात यह है कि इजिप्ट के साथ हमारा एक स्ट्रेटजिक टाइप है, इजिप्ट विल बी आवर एंकर इन टू द अफ्रीकन कंट्री एंड मीना जो नॉर्थ से मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका मोरक्को मोरक्को।